हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर धीरेन पीपालिया गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट और एंडोस्कोपिस्ट हूँ। मैं हिंदू सभा हॉस्पिटल घाटकोपर वेस्ट में अटैच्ड हूँ और फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में अटैच्ड हूँ और घाटकोपर वेस्ट में लास्ट 25 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग आपको हिपेटाइटिस के बारे में थोड़ा परिचय देंगे। हिपेटाइटिस मतलब लीवर की सूजन। हिपेटाइटिस और पीलिया, ये दो टर्म इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट हिपेटाइटिस का मतलब पीलिया नहीं होता और पीलिया का मतलब हिपेटाइटिस नहीं होता है। हर हिपेटाइटिस में पीलिया होना जरूरी नहीं है और हर पीलिया हिपेटाइटिस की वजह से हो ये भी जरूरी नहीं है। हिपेटाइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से खास कारण में वायरल डिसीजेस होते हैं। वायरस एक कीटाणु होता है जिसकी वजह से लीवर में सूजन आती है। दारू की वजह से लीवर खराब होता है, उसे भी हिपेटाइटिस होती है। बहुत सारी ड्रग से हिपेटाइटिस हो सकते हैं और बाकी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि लीवर में चर्बी भरना, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बदलना, ये सब कारणों से लीवर खराब हो सकता है। लेकिन आज हम खास करके वायरल हिपेटाइटिस और उसमें भी बी और सी टाइप के वायरस से जो लीवर डैमेज होता है वो डिस्कस करेंगे। अब तक ए, बी, सी, डी और ई वायरसेस की हमें जानकारी है जो लीवर को खराब कर सकते हैं। उसमें से ए और ई वायरस पानी के माध्यम से या तो खाने के माध्यम से एक में से दूसरे पेशेंट में प्रसरते हैं और ज्यादातर ये ए और ई वायरस के पेशेंट्स एक्यूट बीमारी से सफर होते हैं। एक्यूट का मतलब यह है कि थोड़े दिनों में पेशेंट सफर होके ठीक हो जाते हैं और ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होती है, मतलब पेशेंट्स को सपोर्टिव केयर दिया जाए तो पेशेंट 4 से 6 हफ्ते में ज्यादातर अपनी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति से ठीक हो सकते हैं। हिपेटाइटिस बी और सी जो आज का अपना मेन टॉपिक है, इसके बारे में मेनली मुझे ये जानकारी देनी है कि ज्यादातर पेशेंट को ये बीमारी शरीर में होने के बावजूद भी पता नहीं चलती है और कभी कभी पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तभी बहुत देर हो चुकी होती है। हिपेटाइटिस बी अगर देखा जाए तो अपने देश में हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 2.5 से 3.5% नॉर्मल पॉपुलेशन में है और हिपेटाइटिस सी ऑलमोस्ट 1 to 2% पॉपुलेशन में पाया जाता है। उसका मतलब है कि काफी लोगों को ये बीमारी है शरीर में लेकिन काफी लोगों को इसका पता भी नहीं है। हिपेटाइटिस बी और सी वायरस पेरेंटली ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब ब्लड से ब्लड मिक्स हो गया तो बीमारी जाती है, या तो बॉडी फ्लूइड्स जैसा कि सलाइवा है उसमें से एक में से दूसरे में जाती है। ज्यादातर जब मां में ये बीमारी होती है तो मां में से बच्चे को जन्म के समय पे ये आती है। एक दूसरे की कॉमन नीडल वापरी, एक दूसरे के कॉमन टूथब्रश वापरे, कॉमन रेजर या कॉमन ब्लेड्स वापरने में आई तो भी ये बीमारी एक में से दूसरे में जा सकती है। जो आदमी को हिपेटाइटिस बी और सी है वो सेक्स में उसके पार्टनर को ये बीमारी ट्रांसमिट कर सकता है। पेशेंट जब हीमोडायलिसिस मशीन पे रेगुलरली होता है तो भी ये बीमारी एक में से दूसरे में जा सकती है। इस तरह से ये हिपेटाइटिस और बी एक में से दूसरे में प्रसरती रहती है और पता भी नहीं चलता है। इसका कैसे इलाज किया जाए और कैसे इसको निदान किया जाए? नाउ ज्यादातर तो ये बीमारी एक्सीडेंटली पता पड़ती है, जैसे कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो नॉर्मली आज तक सभी माँ की इन्वेस्टिगेशंस होती है, प्रीनेटल इन्वेस्टिगेशंस, उसमें जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो पता चलता है। काफी लोगों को प्री एम्प्लॉयमेंट वर्क के लिए जब इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, मेडिकल चेकअप किया जाता है, तभी पता पड़ता है कि उनके शरीर में रोग है। काफी लोग जब हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं रेगुलरली तभी ये पता चलता है और आजकल काफी जगह पे कैंप्स भी किया जाता है
तभी भी ये पता चलता है कि पेशेंट लोगों को ये वायरस है या नहीं है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जनरली तो ये बीमारी काफी साइलेंट होती है, इसीलिए तो पता पड़ता नहीं है। और अगर पेशेंट को शुरुआत में देखा जाए तो लक्षण बहुत ही कम होते हैं, और लक्षण ऐसे होते हैं कि बॉडी में थकान आती है, कमजोरी आती है, भूख नहीं लगती है, मोशन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पेशेंट लोगों को, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी लूज मोशन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा बुखार आ सकता है पेशेंट लोगों को। और फिर धीरे धीरे जैसे बीमारी बढ़ती है तो पेशेंट को पीलिया भी हो सकता है, और फिर बदन में सूजन भी आ सकती है वगैरह वगैरह। और जब बीमारी बहुत ही एडवांस हो जाती है तो पेशेंट लोगों को लीवर में फाइब्रोसिस होता है, मतलब लीवर थोड़ा सा श्रिंक होने लगता है और छोटा होने लगता है। उसमें से फिर सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो भी डैमेज लीवर में हो चुका है वो थोड़ा थोड़ा इरिवर्सिबल, मतलब वो वापिस ठीक ना हो सके और धीरे धीरे आगे ही बढ़ते जाए, उस टाइप का बीमारी होता है। और लीवर में कैंसर भी इस बीमारी की वजह से हो सकता है। इसके लिए अगर हम लोगों को पता पड़ जाए या तो चल जाए कि पेशेंट को ये वायरस शरीर में घूम रहा है तो हम लोग उनको जरूर मदद कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए काफी ओरल दवाइयां भी मिल रही है अपने को बाजार में, और इंजेक्शंस भी मिलते हैं। दवाइयां डायरेक्ट एंटीवायरल होती है, मतलब वो वायरस को डायरेक्ट मारती है, और एंटीवायरल और इम्यूनोमॉड्यूलेटर के रूप में इंजेक्शंस मिलते हैं अपने को, जो रोग प्रतिकारक शक्ति आदमी की बदलती है और वायरस को मारने में मदद करती है। हेपेटाइटिस बी में दवा करने से हेपेटाइटिस बी का जो वायरस का लोड होता है शरीर में वो काफी मात्रा में कम किया जाता है, और लीवर में जो आगे बढ़ने वाली बीमारी है उसे डेफिनेटली रोका जा सकता है। अगर लीवर में बीमारी रोका जा सकता है तो आगे जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस है जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर और कैंसर जो मैंने पहले आपको बताया वो डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी को कंप्लीट क्योर हम लोग अभी तक नहीं कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस की दवाइयां मिलती है, जैसे कि इंटरफेरॉन करके इंजेक्शंस है और एंटीवायरल ड्रग्स है। ये दवाई देने से हेपेटाइटिस सी वायरस का हम लोग कंप्लीट क्योर भी कर सकते हैं अगर प्रॉपरली दवा दिया जाए तो। हेपेटाइटिस बी को हम लोग प्रिवेंट डेफिनेटली कर सकते हैं अगर हमें पता है कि घर में कोई व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तो फैमिली के सारे मेंबर को स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर घर में और दूसरे किसी को ये वायरस ना हो तो सबको हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं जो मिलता है, जिसके 3 डोज दिए जाते हैं। पहला 1 डोज, दूसरा डोज 1 महीने के बाद और तीसरा डोज 6 महीने के बाद, और फिर हर 5 साल में बूस्टर डोज दिया जाता है। बच्चे को जन्म के टाइम पे ही, अभी तो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही वैक्सीन दिया जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी, जिसमें 3 डोज दिए जाते हैं बच्चे को। अगर पहले से अपने को पता है कि माँ के शरीर में बी वायरस का जंतु है तो बच्चे को पैदा ही होते विदिन 24 आवर्स, मतलब पहले ही 24 घंटे में हम लोग वैक्सीन दे देते हैं, और एक स्पेशल सब्सटेंस आता है जिसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जिससे रेडीमेड इम्यून सिस्टम पेशेंट के बच्चे के शरीर में दिया जा सकता है। ये चीज करने से पेशेंट को काफी प्रोटेक्शन मिल सकता है। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन अभी तक मिलता नहीं है अपने को। वैक्सीन देने से हेपेटाइटिस बी 95% तक हम लोग टाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके उतना, अगर हमें पता हो कि पेशेंट के शरीर में ये जंतु है तो हमें जल्दी से जल्दी उसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो हम लोग डेफिनेटली ये पेशेंट को ये बीमारी में से काफी हद तक फ्रीडम दिला सकते हैं, जो बीमारी आगे प्रोग्रेस होने वाली है उसे रोक सकते हैं, और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी हम लोग रोक सकते हैं। और अगर हमें पता है कि कोई हाई रिस्क पॉपुलेशन है तो हम लोग उसको अगर वैक्सीन पहले से दे दे तो हम लोग ये लोगों को
डेफिनेटली ये बीमारी में से मुक्त कर सकते हैं।